चलिए अपनी एक और नई स्टूडेंट से मिलते हैं, अनुष्का से, जो कि कानपुर से हैं और इनकी ऑल इंडिया रैंक 140 है और इनको एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है। तो अनुष्का, सबसे पहले आपको इस रैंक के लिए बहुत सारी बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अनुष्का, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मैं इंटरव्यू का, मेरा एक ही पर्पज होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो। हर साल जब बच्चे इंटरव्यू देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होते हैं और उस हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान करते हैं, ना? तो जैसे आपने एक ड्रॉप लिया था, आप कानपुर से हो, आपने हो सकता है लास्ट ईयर निमसेट भी दिया हो, तो आपकी का क्या सक्सेस जर्नी का क्या एक्सपीरियंस है, मैं चाहूंगा आप इसको डिटेल में बताओ। सर, मेरी जर्नी ऐसे इंटरव्यू से स्टार्ट हुई थी। यूट्यूब में मैंने इंटरव्यू देखा था आपका, एक थी मेरे ही शहर की थी, एक स्टूडेंट सीनियर, तो उनका मैंने इंटरव्यू देखा तो उनका रैंक भी 64 था, तो मुझे लगा कि वो कर सकती हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। हर्षिता की बात कर रहा आप? यस सर, यस सर। तो मैंने फिर सोचा कि इम्पेटस गुरुकुल से ज्वाइन करते हैं, तो फिर वैसे आपका ज्वाइन किया। और थैंक यू सर ये इंटरव्यूज लेने के लिए, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी अलग स्टोरी होती है और जो इंटरव्यू बच्चे इन्हें देखते हैं वो अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, तो उनमें भी होता है जैसे शायद मेरे अंदर आया, शायद किसी और के अंदर होगा कि उन्हें भी प्रिपेयर करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। तो थैंक यू सर उसके लिए। थैंक यू अनुष्का, और बिल्कुल सही बात बोली आपने, मैं बिल्कुल यही सोच के इंटरव्यू लेता हूँ। इस इंटरव्यू का एक ही पर्पज है, हर बच्चे की सक्सेस जर्नी बिल्कुल अलग होती है, एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है, और जब कोई बच्चा देख रहा होता है वो 10 इंटरव्यू में 10 में से नहीं पर किसी एक से कई बार कनेक्ट कर लेता है और फिर वो अपनी लाइफ के एक डिसीजन राइट वे में ले पाता है। तो जैसे अब आपने किसी का इंटरव्यू देखा, आपने हर्षिता का देखा, आज आप दे रहे हो, आज आपको देख के कुछ बच्चे डिसीजन लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा हर्षिता, अनुष्का आपने ड्रॉप लिया था, तो सबसे पहले जैसे आपने ड्रॉप का जो डिसीजन है, कई बार कंफ्यूजन भी होता है, डर भी होता है, फेयर भी होता है, तो ये डिसीजन लेने में और उसके बाद पूरे साल प्रिपरेशन करने के दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस था? सर, लास्ट ईयर जब मैंने दिया था निमसेट का एग्जाम तो रैंक इतना अच्छा नहीं आया था, तो मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि 6 महीने ही बचे हैं नेक्स्ट एग्जाम होने को, तो ड्रॉप ले लो, लेके देखो। तो फिर मैंने आपसे जुड़ने का, इम्पेटस गुरुकुल से जुड़ने का सोचा, ज्वाइन किया। लेकिन सर ये फेज भी बहुत डिफिकल्ट था, कोविड की सेकेंड वेव जो थी उसमें एक्चुअली सर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स की फैमिलीज, काफी लोग पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव हुए, कुछ लोगों की डेथ हुई, तो बहुत डिस्टर्बिंग था, बहुत लो फील करने वाला सिचुएशन था। कई कई दिन ऐसे भी होते थे कि पढ़ाई नहीं हो पाती थी और हर रात को नींद इसलिए नहीं आती थी कि पढ़ाई नहीं हुई, आज कितने बच्चे आगे निकल गए होंगे मुझसे। तो सर कुछ टाइम बाद फिर उसको कवर अप करने के लिए थोड़ा पढ़ने का टाइम और बढ़ाया, कंसिस्टेंट रही, और जैसे कि आप बोलते कि जो मॉक टेस्ट है उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हेल्प करता है, तो सर बस उस पर फोकस किया, कहीं इधर डाइवर्ट नहीं हुए, जैसा आपने बोला था बिल्कुल उसको फॉलो किया, और सर रिजल्ट अच्छा ही आया सर। तो बिल्कुल सही बात बोली अनुष्का कि जो सेकेंड वेव थी, फर्स्ट वेव में इतना नहीं हुआ, सेकेंड वेव में कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी, चाहे मेरी फैमिली में भी देखूं कई सारे रिलेटिव्स पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव हुए, कई सारी ट्रेजडी हुई, मतलब ये वाला जो समय था ये बहुत टफ था, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, तो मैं बिल्कुल इस बात को समझ सकता हूँ कि ये वाला टाइम जो बच्चों ने फेस किया या परिवारों ने फेस किया ये काफी टफ था, पर अल्टीमेटली आप उससे भी बाहर निकले और आप उससे बाहर निकल के अपने आप को फिर से तैयार किया घर पर रहते हुए और इतनी अच्छी रैंक आई, ये एक अचीवमेंट है। और मैं हमेशा कहता हूँ कंडीशन इवन ऑड होती रहती है पर हम क्योंकि कुछ चीजें रोक नहीं सकते, तो ये एक अच्छी बात रही कि आप उससे निकल के वापस आए और एक इतनी अच्छी रैंक दी। यस सर, थैंक यू सो मच। और सर थैंक यू, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच बिल्कुल इतना डिफरेंट था कि लगता ही नहीं था कि जैसे कि बच्चा वो नहीं होता है सोचता है कि ये डाउट दिमाग में आने वाला होता है तो वो आप पहले ही समझ लेते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उस क्लास में वो डाउट समझ में ना आए, मैंने कभी गूगल नहीं किया अलग से कि सोचा हो कि ये अरे ये नहीं आया, ये छूट गया, उसी मोमेंट पे उसी क्लास पे मेरा वो डाउट सॉल्व हुआ। तो बिना बुक के फिर मुझे काफी अच्छा लगा कि अच्छा सर थैंक यू सो मच उसके लिए। थैंक यू अनुष्का। अच्छा अनुष्का, आपने क्योंकि ऑनलाइन प्रिपरेशन की घर पर रह के, तो आपका ऑनलाइन का क्या एक्सपीरियंस रहा और आपने किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखा? सर डाइवर्ट नहीं होने दिया खुद को, जैसा आपने बोला था अच्छे से एनालिसिस करो पेपर का, वो किया, और बस काफी टफ टाइम भी था बीच में, लेकिन बस यही सोचा कि बस कुछ दिन और, कुछ दिन और, एग्जाम बस आने ही वाले हैं,
ज्यादा टाइम नहीं है, बस प्रैक्टिस ही की अच्छे से, तो बस यही सोच के कि बस कुछ दिन और करना है, अच्छे से कर लो, अच्छे से कर लो, तो प्रिपेयर किया। कंसिस्टेंट थी सर, ज्यादा 10 यूट्यूब चैनल नहीं खोल के देखे कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, अरे यहाँ से भी मिल रहा है, उससे बहुत कंफ्यूजन होता है सर, तो बस ऐसे ही सर। बिल्कुल ये बात सही बोली, कई बच्चे पता है बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं पर वो कई बार ज्यादा चीजें देखने लग जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में यूट्यूब या नेट पर इतना कुछ है जिसका कोई लिमिट नहीं है, पर वो लिमिट नहीं होने की वजह से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये काफी अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि जब ये बच्चे सुन रहे होते हैं तो ये कोई गलती कर रहा हो तो कम से कम वो समझ पाए कि हाँ मैं अगर फॉलो भी करूं तो एक आध दो चैनल से ज्यादा को ना देखूं, एक टॉपिक को चार जगह पढ़ के तो और मतलब जितना आता नहीं उससे ज्यादा कंफ्यूजन चालू हो जाता है। यस सर, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो एक्चुअली में अच्छे थे, मेरे जैसे थे, कुछ मुझसे बेटर थे, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसा होता है जिसमें अच्छे अच्छे बच्चे भी पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये मैं एडवाइस करूंगी बच्चों को कि ये 10 यूट्यूब चैनल खोलने की जरूरत नहीं है, आप जो पकड़ रहे हैं बस उसी को पकड़ के चलिए और प्रैक्टिस करिए, बस वही सबसे बेस्ट है। वेरी गुड अनुष्का। अच्छा आप अपने जूनियर्स को और स्पेशली जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं या ड्रॉप का सोच रहे हैं या मन में कंफ्यूजन, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर अगर लगता है कि आप कर सकते हैं, जैसे कि मुझे लग रहा था कि मैं शायद आपका ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया होता तो शायद मेरी रैंक और इंप्रूव हो सकती थी, तो वैसे ही सर बोलूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो लीजिए ड्रॉप। मैंने हर्षिता दीदी का भी वीडियो देखा था, उन्होंने भी ड्रॉप लिया था, तो मैं वही बोल रही हूँ कि ड्रॉप से डरिए मत, अगर आपको लगता है तो आप करिए, हो जाएगा अच्छे से, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनेंगे आप। चलो बहुत अच्छा लगा अनुष्का आपसे बात करके। अब आप NIT इलाहाबाद में भी अच्छा परफॉर्म करिए, और वो लोग जो निगेटिव होते हैं या जो किसी चीज डिसीजन लेने में डरते हैं उनके लिए आज आप मोटिवेटर काम करिए। ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा।